भुरस उपमंडल के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत टिकरिया मिहंसा के गांव खतरवाड़ में पंचायत और गांव वालों के द्वारा अनीता देवी पत्नी स्वर्गीय कुलदीप चंद की मलकियत भूमि से सड़क निकाली गई है और इस मामले में पुलिस भी SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके ना तो आज दिन तक पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ना ही ग्रामीणों के खिलाफ, जिस कारण पीड़ित परिवार में गहरा रोष पनपा हुआ है। गौरतलब है कि अगस्त 2018 में पंचायत के द्वारा गांव से होकर अनीता देवी की मलकियत भूमि से सड़क निकलवा दी गई और उस दौरान पंचायत ने जबरदस्ती ही भूमि से शौचालय भी तुड़वा दिए और जब इसकी शिकायत पुलिस में की गई तो पुलिस ने केवल मात्र मामला ही दर्ज किया। अब पीड़ित परिवार और पुलिस के द्वारा इस जगह की निशानदेही ली गई तो निशानदेही में भी जमीन अनीता देवी की ही निकली, लेकिन अब अनीता देवी के पक्ष में सारी बात होने पर पुलिस के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। पीड़ित अनीता देवी ने बताया कि पंचायत ने जबरदस्ती जमीन से सड़क निकाल दी और पंचायत के द्वारा शौचालय को भी गिरवाया और सड़क बनाई। उन्होंने बताया कि इस बारे में शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्यवाही आज दिन तक नहीं की गई। उन्होंने बताया कि मेरे साथ लोगों ने मारपीट की और उल्टा पंचायत ने ही रास्ते को रोकने की एवज में जुर्माना भी कर दिया। उन्होंने बताया कि इस बाबत पुलिस में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं की गई। तो गांव वाले भी आए, फिर यहाँ रोकी सर, तो यहाँ पर पत्थर सर ट्राली, फिर यहाँ पीर पिछड़ गई, चल कोई जा नहीं कड़ी दे रस्ता कोई नहीं, पर कहाँ कर दिया। इसके बाद अहम फिर लठ मार काम लाया तो 9 तारीख दिन लठ में कोई तिथि मजदूर कोई नहीं थे, नंबर दो सब पंचायत वाले भी थे, प्रधान पंच दो भी थे सारे वहाँ, तो फिर यहाँ कर लेके फिर जनाना बिच तीन मेरा पाँव आया था, तीन जनाना बिच जिसको भी थप्पड़ मारे प्रधान साफ देवा सजे दिन गलत की, तीसरा अगला जरा क्या नाम है तीसो का नहीं सिद्ध करते, कहाँ से कागजा छुपाया, कहाँ से अगली कार्रवाई करनी, कहाँ तीन जो अंदर करती, आओ गरीब नहीं देखी रही पे कहीं आओ अगे रुपये जा सकती, कहीं समझ चुके ये गल तो मुझे साफ चाहिए मेरा सजे नुकसान तीसरा पुरता। वहीं अनीता के जीजा ने बताया कि पंचायत के द्वारा जबरदस्ती सड़क बनाने के नाम पर शौचालय और डंगे को गिराया गया और अनीता के साथ मारपीट भी की। उन्होंने बताया कि इस बारे में हर जगह शिकायत कर चुके हैं और DC/SP से भी मिल चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द पुलिस के द्वारा आरोपी पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए। वहाँ पर हमने जमीन लिए कनाल और उसके बाद पंचायत द्वारा जबरदस्ती रेखा देवी प्रधान पंचायत उसका पति अशोक कुमार और अश्विनी कुमार ने जबरदस्ती हमारी जमीन के ऊपर 4 मरले जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। उसके बाद 9 तारीख को पंचायत समस्त पंचायत मौके पर आई और उन्होंने गांव वालों को फोन करके बुलाया और मेरा लेटरिन और बाथरूम जो डंगा भी गिरा दिया गया। इनके ऊपर FIR होने के बाद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई प्रशासन द्वारा। और ये एक तो महामंत्री है और दूसरा अध्यक्ष है, सरकार की गोद में बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई। आपने निशानदेही हुई है कि किसके फेवर में निकली थी, क्या था? निशानदेही जो हुई वो हमारे फेवर में DSP द्वारा निशानदेही दी गई, SHO थाना भोरने मौके पर था, उसके द्वारा निशानदेही जो दी गई वो हमारी मिल्कियत में पाई गई। वो अब क्या डिमांड क्या है? डिमांड है कि इनके ऊपर और जो गांव वाले हैं पंचायत के ऊपर गांव वाले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट किया जाए, या बाई बाई और हो चुकी है तो इसको इनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं।